और सहयोग मैं अपेक्षा करता हूं कि सदैव आप सभी का बना रहेगा। मेरा यह मानना है कि हमारी एकजुटता, आपका यह सहयोग, ये स्नेह मिलन इस वर्ग के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो मुख्य कार्य करेगा वो सदैव आने वाले समय तक याद रहने वाला और अविस्मरणीय कार्य होने वाला है। मैंने सिर्फ न कि राजस्थान में बल्कि साड़ोती की धरा पे, बल्कि राजस्थान से बाहर भी जाकर पत्रकार पेश परिषद के कार्यों को देखा है, जाना है, समझा है। वो पत्रकार जो बैकडोर रहा करते थे या छुपे रहा करते थे, पर्दे के पीछे रहा करते थे, सामने आके कुछ ना बोल पाने की उनमें क्षमता नहीं होती थी, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को सामने लाकर उनकी भाषा को, उनकी दशा को, उनकी दिशा को, उनके जीवन को उत्थान और कल्याण की ओर बढ़ाने का अगर काम किसी संगठन ने किया तो प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, पत्रकार प्रेस परिषद द्वारा शुरू किया गया। पूरे देश के अंदर कोई ऐसा पत्रकार संगठन नहीं जो इस पत्रकार संगठन के साथ में विलय ना हुआ हो, हमारे समकक्ष काम न कर रहा हो, या फिर हम बात करें प्रदेश में, जिले में, या फिर देश के किसी भी कोने में अगर आप देखेंगे तो अंतिम छोर तक जाने वाले किसी पत्रकार के साथ जुड़ी हुई सेवाओं का अगर किसी को लाभ मिला है तो वो पत्रकार प्रेस परिषद की सेवाओं से मिला है। आपने देखा होगा कई जिलों के अंदर क्लब संस्थाएं अपने अपने स्तर पर काम करती है, लेकिन अगर बात करें पत्रकार प्रेस परिषद की तो ये पत्रकारों के वास्तविक मुद्दों पर, और न सिर्फ पत्रकार के बल्कि उसके परिवार के भी जीवन शैली पर परिवर्तन लाने का काम करने वाला अगर कोई संगठन है तो पत्रकार पेशवा से। मैं बात करता हूं आप सभी से कि आज मेरे जीवन में अगर मैं इस उच्च मुकाम पर खड़ा हूं या खुद को इस मुकाम के काबिल समझता हूं तो उसका श्रेय मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ऋषभ मिश्रा जी को और आप सभी के सहयोग को देता हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस राजस्थान की पावन धरा, इस शिक्षा नगरी, पर्यटन नगरी और एजुकेशन के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाला शहर कोटा आज धन्य है कि यहाँ पर प्रथम बार ऋषभ मिश्रा जी पहुंचे और इनके मार्गदर्शन में आज हमें वो सब कुछ जानने का अवसर प्राप्त होगा जो शायद आज तक हमारे अभाव उपभोग में शामिल थी। हम जिन चीजों के निराकरण के लिए आगे नहीं बढ़ पाते थे, आज मैं मानता हूं कि आप सभी के अंदर उस प्रकार की जागृति होगी और आप जानेंगे कि पत्रकार वर्ग किस प्रकार से कार्य करता है, पत्रकारों के क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या दायित्व होते हैं, उनके निर्वहन करने के लिए पत्रकारों को किस किस प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं और किस प्रकार से वो अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।